नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज। कल की बर्फबारी के बाद आज देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा पाला गिरा है। पूरे पत्ते देखे, सब में ये पाले की लेयर जमी पड़ी है। बहुत हाथ ऐसा बिल्कुल सिकुड़ सा गया है, बिल्कुल ठंड के मारे लाल पड़ी है। आप देखो इतना सारा पाला है, ऐसा लग रहा है बर्फ की पूरी एक लेयर इसमें जम गई होगी। ये रास्ते का ऐसा हाल हुआ पड़ा है पूरे पाले की वजह से। इधर है हमारे बेला लीली, ये बेचारे इनको भी ठंडा लग रहा है। कितनी मोटी लेयर जमी है पानी की इसमें, ये खाकर बन गया पूरा शीशे की। ये पूरा बर्तन जमा हुआ है, ये शीशे की लेयर बनी है इसमें। और अभी साइड में ये पाला भी है, देखो ये तो मस्त आग सेक रहे हैं मम्मी लोग। इधर पिंकी भी है, मक्खन है, और मक्खन को मलाई को मत करके इससे घी निकाला जाता है, जैसे चर्निंग। तो ये पिंकी जला के लागी है बकरी से। हम तो आमतौर पर बकरी वही देखते हैं, आग सुलग चुकी है और थोड़ी ही देर में ये सारा इसको कोयला बना देगा। मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ मुक्तेश्वर का, अभी करंट टेम्परेचर देखिए -3 चल रहा है। और आप देख सकते हैं आग कितनी सुलग चुकी है, तो ये गवर्नर का कमाल है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल, नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो अभी सुबह का समय है, कल बर्फबारी हुई थी और उसके बाद आज जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, क्योंकि कल बर्फ गिरी तो उसकी वजह से खेतों में नमी हो गई, और नमी के बाद आज जो सुबह पाला गिरा है तो उसकी वजह से सब कुछ फ्रीज हो गया है। तो पाला इतना खतरनाक होता है, हर चीज को फ्रीज कर देता है। हाँ, ये ताई जी आ रही है दूध दे करके सुबह सुबह। तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, चारों तरफ पाले की एक लेयर देख सकते हैं, पीछे पूरा व्हाइट से लेयर बनी है। ये पूरा व्हाइट जो है ना, ये पाला ही है जिसने पूरा फ्रीज करके रखा है, और ये बहुत खतरनाक होता है। हाथ देख सकते हैं कितने बुरे हाल हो गए, हाथों में ऐसे खून जम जाता है इस टाइप से। और सबसे बड़ी चीज होती है, जहां बर्फ गिरी थी वहां पे पाले ने बहुत बुरे हाल कर दिए, क्योंकि पूरा पाला फ्रीज हो जाता है। और पाला जब बर्फ को फ्रीज कर देंगे ना, फिर वो पिघलती नहीं है बहुत आसानी से, बहुत हार्ड हो जाती है, और उसमें फिसलने का बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत स्लिपरी होता है। और बाइक हो गया, फोर व्हीलर होगा, उसमें स्लिप हो जाती है। और अब ठंड बढ़ चुकी है, हालांकि अच्छे लक्षण है बर्फबारी होने के बाद कि इस बार अच्छी बर्फ हो सकती है, क्योंकि 2 साल से बर्फ नहीं हुई थी। तो इस बार उम्मीद है कि अच्छी बर्फ गिरेगी, और हो सकता है कि कई बार बर्फ गिरे। तो इसी उम्मीद से हम लोग इसी आस में लगे हैं कि चलो अच्छी बर्फबारी होगी तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फसलों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि बर्फबारी जो होती है एक दवाई का काम करती है सारी फसलों के लिए, और साथ ही साथ क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लाइमेट अपने बैलेंस तरीके से चलती रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ अच्छी तरीके से चलती रहेगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ कितना ठंडा यहाँ पे हो गया इस पाले के गिरने के कारण, और पानी सारा फ्रीज हो चुका है। हालांकि मुश्किलें होती है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि बर्फ गिरेगी, इसी उम्मीद में हम लोग इस चीज को जो दर्द होता है उसको भी भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बना रहिए हमारे साथ में। तो कल की बर्फबारी के बाद आज देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा पाला गिरा है, ये सारे पत्तों के ऊपर, ये पत्ते जम चुके हैं पूरे, देखो पूरे पत्ते फ्रीज हो गए हैं क्योंकि इसके ऊपर पाले की एक लेयर मोटी जम चुके हैं पूरा। देखिए ये आंगन है, आंगन में पूरी घास के ऊपर, और घास इतनी हार्ड सी हो गई है, ये देखो पूरी घास हार्ड हुई पड़ी है पूरी, ये देखिए घास पूरी जम गई है यहाँ पे, क्योंकि इसमें नमी रहती है तो नमी के ऊपर पाला गिरा और पाला इसको बिल्कुल फ्रीज कर देता है इस तरह से। देखिए कितना सारा इसमें बबल से बने हुए सारे, और ऐसे ही फ्रीज हो गया पूरा। तो ये जो पाला गिरता है ना, ये सब ड्राई कर देता है, सब सुखा देता है। जैसे भी छोटे छोटे पौधे होते हैं बाहर, या फिर फूल के फ्लावर प्लांट्स होते हैं ना, वो सब सूख जाते हैं इस पाले की वजह से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मार करता है, और फसलों को तो बिल्कुल तहस नहस कर देता पाला। ये देखिए कितना सारा पाला गिरा है। तो आप नीचे खेतों में देख सकते हैं, खेतों में पूरा पाला की बहुत ज़बरदस्त लेयर पूरी जमी पड़ी है, सारे खेत वाइट से हो रहे हैं पूरे आज। आप देखिए अभी सुबह सुबह का समय है, कुछ एरिया में धूप आ चुकी है, कुछ में अभी नहीं आई है, लेकिन पाले ने पूरा वाइट एक लेयर से जमा रखी है, जैसे लग रहा है जैसे कि बर्फ़ गिरी हो पूरी, और बर्फ़ के ऊपर ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिरी हो, बर्फ़ की एक लेयर यहाँ पे गिरी पड़ी हो, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, ये असल में पाला है। देखिए सब ये ऐसे बर्फ़ की सी लेयर बनी हुई है, जितना भी नमी होती है जो ओस होती है ना, वो सब जम जाती है पाले के कारण, बहुत हार्ड हो जाता है। और जहाँ भी पानी की अगर बूंदें भी होंगी, जहाँ पानी लीकेज हो रहा होगा ज़मीन में ना, वहाँ भी ये पूरी लेयर बन जाती है, शीशा सा बन जाता है। देखो पूरा पाला जमा पड़ा है, रास्ता है वो, रास्ते का हाल देखो, रास्ते में सब ये जमे पड़े हैं, रास्ते में इतना हार्ड हुआ पड़ा रास्ता, और ऐसे में फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे हल्का सा पानी लीकेज हो रहा होगा नल से, उधर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। पूरे पत्ते देखे, सब में ये पाले की लेयर जमी पड़ी है, बहुत ही खतरनाक होता है पाला। और अभी बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना,
मैं हाथ दिखाता हूँ, देखो हाथ ऐसा बिल्कुल सिकुड़ सा गया है, बिल्कुल ठंड के मारे लाल पड़ गया। ये देखिए पूरा पाला। इधर ये रास्ता है हमारा यहाँ से गांव जाने के लिए, और इधर ये आसपास में सब खेत हैं, और खेतों का हाल आप देख सकते हो क्या हाल हुआ पड़ा है अभी। इनमें हालांकि कुछ लगा नहीं है, लेकिन अगर कुछ फसल भी लगी होती तो क्या हाल होता। आप देखो इतना सारा पाला है, जैसे लग रहा है बर्फ़ की पूरी एक लेयर इसमें जम गई होगी, बट ये बर्फ़ की लेयर नहीं है, ये पूरा पाला है जो पूरे खेतों को इस तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। अभी देख सकते हैं कितना सारा पाला है, और ये पाला क्यों गिरा है, इसका रीज़न ये है कि कल हल्की बारिश हुई है, और वो बारिश होने के बाद खेतों में या ज़मीन में नमी हो जाती है, और नमी के ऊपर जब पाला गिरा ना, इसने पूरा ठंडा कर दिया इसको। यहाँ दिखाता हूँ आपको, पूरा रास्ता इतना ख़तरनाक हो रहा है अभी रास्ते में। ये देखो पूरा ये शीशे की सी लेयर जमी पड़ी है रास्ते में, ये देख सकते हैं। और ये इतना स्लिपरी होता है, इसमें पैर गया नहीं था, फिसले नहीं। और इधर ये नल है, पूरा नल ही फ्रीज हो गया, ये पानी का नल है। देखो बाहर से ये हाल है, तो सोचो अंदर क्या हाल होगा इसका। तो पूरा पानी इसमें फ्रीज हो गया होगा, फ्रीज होकर के पूरा शीशा बन गया होगा, और पानी अब जाएगा नहीं जब तक इसका धूप ना आए और ये पानी अंदर का पिघल ना जाए। जब तक वो अंदर पिघलेगा नहीं, तब तक ये पानी ही नहीं चलेगा। और नीचे खेतों का हाल देखो आप, ये पाले के कारण इस टाइप का भी माहौल बना हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता पूरे क्लाइमेट को। मैं अभी टेम्परेचर दिखाऊंगा आपको, टेम्परेचर माइनस में चल रहा है अभी यहाँ पे। बाप रे बहुत ज़्यादा ठंड है। और इधर भी देखो ये पूरे खेतों के हाल, सारे खेत हमारे जो नीचे के खेत है जिसमें मटर लगी हुई है ना, उनमें भी यही हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि जहाँ पे खेतों में अगर मिट्टी खोद दी गई है या फिर जहाँ घास फूस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पाला सेट हो जाता है। ये पूरे पाले ने इसको ऐसे कैप्चर कर रखा है। और साथ ही साथ में सामने की तरफ देखो, अभी वहाँ दूर नज़र नहीं आएगा, मैं हालांकि जूम करके दिखाता हूँ। ये एरिया देखो, यहाँ भी पूरा वाइट लेयर दिख रही है सारी। तो ये जो वाइट लेयर है ये पाला ही है, इधर बर्फ नहीं है, क्योंकि बर्फ तो ऊंचे ऊंचे एरिया में गिरी थी। तो ये सारा पाला है जिसने इसको कैप्चर करके रखा है। ये देखिए ये रास्ते का ऐसा हाल हुआ पड़ा है पूरे पाले की वजह से, और पूरा ऐसा लग रहा है वाइट लेयर जैसे बर्फ गिरी हो पूरे रास्ते में, वाइट वाइट हो गया सारा कुछ इसमें। बहुत ही खतरनाक होता है ये पाला, हाथों को और शरीर को जो अंग अगर खुला होगा ना, वो पूरा फ्रीज सा हो जाता है। ये देखिए ये खेत का हाल आप देख सकते हो, पाले ने कितना खतरनाक कर रखा है इसको। पूरी इसमें घास है, इसके ऊपर कितना सारा पाला जमा हुआ है। नीचे देखो पैरों से मैं चल रहा हूँ, लेकिन आवाज़ कैसी आ रही है, खसखस की, जैसे बर्फ़ में चलने में आवाज़ है ना, सेम वैसी ही आवाज़ आ रही है पाले के ऊपर चलने में। इतना खतरनाक होता है पाला, ये देखिए। और ये जब बर्फ़ के ऊपर पाला गिरता है तो बर्फ़ को बिल्कुल फ्रीज कर देता है, और बर्फ़ उसके बाद कम से कम हफ्ते भर में भी नहीं पिघल पाएगी, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाती है उसके बाद बर्फ़। तो ये पाला जहाँ जहाँ ऊपर बर्फ़ गई थी वहाँ तो इसने बहुत बुरे हाल कर दिए होंगे, बर्फ़ को पिघला फ्रीज करके। तो बहुत मोटी लेयर बन जाती है बर्फ़ की। ये सुबह सुबह का समय है, मैं जस्ट उठ के आया, तो मैं एक बार पाला दिखा दूँ सबको, क्योंकि बहुत ख़तरनाक हो गया। और अब इसने ठंड बढ़ा दी, और धीरे धीरे ना क्लाइमेट और ठंडा होता जाएगा। इधर जहाँ मैं कल लकड़ी फोड़ा था, ये एरिया देखो पूरा पाले ने कैसा कर रखा है इसको। ये हाल है अभी, पाले ने पूरी तरह से सब फ्रीज कर दिया है। और इधर एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर शायद पानी लीक हो रहा होगा, और यहाँ पर पूरा फ्रीज हुआ पड़ा है। देखो ये रास्ता है, ये देखो रास्ते में, बाप रे इतनी मोटी लेयर जमी पड़ी है। ये पूरा पानी फ्रीज होके ऐसा बन गया, ये रास्ते में जो पानी लीक हो रहा होगा उसमें ये हाल हुआ है। देखो इधर है हमारे बेला लिली, ये बेचारे इनको भी ठंडा लग रहा है, तो इनके लिए कंबल बिछा के रखा है, लेकिन फिर भी ये नीचे आकर के बाहर ही बैठ जाते हैं, है ना दोस्त।
बैठो बैठो बैठो, उधर बैठो, पीछे पीछे बैठो। यहाँ देख सकते हैं ये आज पानी का हाल, देखो अब क्या हाल हुआ पड़ा पानी का। ये पूरा बर्तन है जिसमें पानी पूरा जमा पड़ा है, ये देखिए। और ये कितनी मोटी लेयर है, अभी तो इसको तोड़ भी नहीं पाएंगे, बहुत हार्ड हो रहा है ये। लेकिन आजकल ऐसे ही होता है, जब पाला गिरता है तो पानी पूरा फ्रीज हो जाता है। कोशिश करता हूँ इसको तोड़ने की। ये देख सकते हैं कितनी मोटी लेयर जमी है पानी की इसमें। ये खाकर बन गया पूरा, शीशे की तरह शीशा, इसमें पूरा शीशा बन गया। देखो आगे सेठ जी आ रहे हैं शीशे, इससे सेठ जी को आर पार दिखा रहा हूँ मैं। देखो सेठ जी आ रहे हैं अभी दूध देने के लिए, डेयरी में दूध जाता है। ये देखिए इतनी मोटी लेयर जमी पड़ी है, ये खाकर बन गया और सारा पानी ऐसे ही जमता था पाला गिरने के बाद में, ये हाल हो जाता है। देखो बाप रे, ये देखिए। और ये पता है कैसे टूटता है, देखना बाहर नीचे गिराऊंगा, बिल्कुल कांच की तरह। ये देखिए पूरा कांच की तरह ऐसे टूटता है ये, और कांच का ही जैसा बन जाता है, पूरा पानी होता है वही पिघल के ऐसा बन जाता है। देखो सॉरी, जम के ऐसा बन जाता है। तो यहाँ और भी बर्तन है, इनमें दिखाता हूँ आपको क्या हाल हुआ है। ये देखो इसमें एक लेयर ऊपर की सारी तोड़ी हुई पानी निकालने के लिए, और उसके बाद नीचे एक और लेयर बन गई, ये देखो। तो अभी भी पानी जम रहा है ये नीचे, मतलब जैसे पानी नीचे गिरता है वो फिर जम जाता है, ये देखो। ये सारा पानी ऐसा हो जाता है। और एक चीज यहाँ देखो, ये बर्तन सब जमे पड़े हैं, ये इसमें तो बहुत मोटी लेयर है। बाप रे, हाथ देखो कैसा हो गया मेरा, ये देख सकते हैं। और जो पानी ढका होगा वो नहीं जमेगा, जैसे इसमें ढका है, अरे ये भी जमा पड़ा भाई। मुझे लगा जो ढका है वो शायद नहीं जमेगा, लेकिन वो भी जम गया। और इधर ये रास्ता है और यहीं पे हमारा पानी आता है। मैं बार देखता हूँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि ये चलता हुआ पानी है, ये बंद तो नहीं होता, थैंक गॉड ये चल रहा है, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है, रात भर चलता रहता है। अगर रात में एक बार भी बंद हो जाता तो नहीं आता। यहाँ पे देखो इसमें क्या डिजाइन बना है, पता नहीं क्या डिजाइन बना है, ये पूरा बर्तन जमा हुआ है, ये शीशे की लेयर बनी है इसमें। और अभी साइड में ये पाला भी है, देखो ये बहुत खतरनाक होता है। ये पानी पूरा शीशा बना है, देखो नीचे पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसमें पत्ता गिरा था वो भी नजर आ रहा है। तो आजकल पानी का ये हाल हो जाता है विंटर में, और कल से तो पाला गिर रहा है, तो उसके बाद तो ये हाल हो गया। देखो नीचे पूरे खेतों में वाइट लेयर पाले की गिरी है, और वो नीचे हमारा एक गौशाला है, उसकी छत देखो, मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये इसकी छत देखो पूरी वाइट दिख रही है, ग्रीन है नहीं सॉरी रेड है, लेकिन आज ये वाइट दिख रही है क्योंकि पाला गिर गया, उसके ऊपर पूरा पाला सेट हुआ पड़ा है। यहाँ देख सकते हैं ये कितना भयंकर हो गया यहाँ पे, अभी बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद पानी यहाँ पे गिराया, और गिराने के बाद ये पूरा पानी ही जम गया। ये देखो ये पूरा पानी जम गया यहाँ पे। तो ये आजकल अब सोचो दो, इसको मेरे ख्याल से 5-10 मिनट हुए इसको पानी गिराए हुए, लेकिन ये सारा यहाँ पे जम गया है, इतना ठंडा है। और अभी भी अगर हम बाहर पानी को थोड़ा सा बाहर छोड़ते हैं तो वो पूरा जम जाता है। मजे मजे में पाला दिखाया, लेकिन हाथ के इतने बुरे हाल हो गए। यहाँ पे आग जला रखी मम्मी लोगों ने, बाहर इतना ठंड हो रहा है, हालत खराब हो गई। बाप रे, ये तो बहुत ही गर्म है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसमें ये गर्म है करके फील ही नहीं हो रहा है इसका, कि इतना ठंडा हो गया हाथ। तो यही तरीका है यहाँ पर, अगर हाथ इंस्टेंटली गर्म करना है, गर्म पानी में हाथ डाल लो, इंस्टेंटली गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आग जला रखी है और पानी गर्म करने का रखा है, अब मस्त आग सेक रहे हैं मम्मी लोग। इधर पिंकी भी है तो विंटर में असर में यही रहता है, क्योंकि बिना आग के तो यहाँ पे चलता ही नहीं है, आग ही सहारा है विंटर में। बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर से हम लोग आ चुके हैं दूध दे करके, फिर से देखो सेठ जी आग सेक रहे हैं यहाँ पे। और पहाड़ों में इस तरह से मलाई को, ये मक्खन है
और मक्खन को मलाई को मत करके इससे घी निकाला जाता है, इसे चर्निंग बोला जाता है। हाथ से ही इसको किया जाता है, पहले तो यहाँ पे चर्निंग रॉड होती थी उससे करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो चलता है ट्रेंड ऐसा है कि भाई हाथ से इसको मथा जाता है और फिर इससे इसको गर्म करके इससे निकाला जाएगा घी, और पहाड़ का शुद्ध देसी घी। थोड़ा सा धूप आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ अभी पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी तो हम सिर्फ नॉली का ही यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम पीने खाने के लिए यूज़ करते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, क्योंकि ये सारा आप देखो इसमें पूरा पाला गिरा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा फिसलन इसमें होती है, और एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, इसलिए इसमें उतरना बहुत टफ है। यहाँ से नीचे देखो पूरा सारे खेतों में पूरा पाला ही पाला है, इनमें सब में वाटर लगा रखी है और पाले ने क्या हाल कर रखा है इनका। देखो नीचे टैंक अभी जमा नहीं, क्योंकि टैंक में क्या होता है ना, पानी चलता हुआ पानी है, अभी इसमें पानी कंटिन्यू चल रहा है इसलिए फ्रीज नहीं हुआ। अगर ये पानी इसमें बंद होता रात में तो ये टैंक भी फ्रीज हो जाता। चलो मैं चल रहा हूँ नौले की तरफ। मुँह से ऐसी भाप निकल रही ना, मतलब एकदम पीक ठंडा हो गया एक ही दिन में। मतलब कल दिन में तक तो अच्छी खासी धूप थी, उसके बाद अचानक से बादल आए और शाम शाम होते ही पूरा बादल ने कवर कर लिया, और सुबह आज बर्फबारी भी हो गई कुछ इलाकों में, ऊँची ऊँची चोटियों में, और एकदम ही ठंडा हो गया। हाथ पूरे देख सकते कैसे हो चुके हैं हाथों के यार। तो ऐसे हम लोग एक काम करते हैं, नीचे देखिए सगड़ी है तो हम लोग इसी का सहारा लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में हीटर वीटर तो यूज करते ही नहीं है, और सेकने के लिए आग जला करके आग को ही सेका जाता है। तो यहाँ पे अभी भी चीज़ें ना नेचुरल चली आ रही, जो पहले से चलती थी वही ट्रेडिशन अभी भी ट्रेंड बना हुआ है उसी, तो उसी को फॉलो करते हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब असहनी ठंड हो रही है, तो चलिए हम भी कुछ सगड़ी जला लेते हैं, क्योंकि इसका सहारा लेना ही पड़ेगा और वरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में अंदर बैठ करके तो चलता नहीं है, ऐसे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, अदरवाइज शरीर ठंडा हो जाता है एकदम। तो शरीर को गर्म रखने ना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो ऐसे में, इसलिए मैं लकड़ी फोड़ने भी गया था अभी, तो वो काम ज़रूरी है ऐसे में, अदरवाइज बहुत ठंडा हो जाता है। चलिए इसको जला लेते हैं और फिर सेकते हैं आग। यहाँ पे हम लोग लकड़ी फोड़ते हैं तो उसमें जितने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे ये टुकड़े हैं, ये सब काम आ जाते हैं, तो इन सबको हम लोग लगा लेते हैं सगड़ी में अपने। तो ये लगाएंगे तो इसे आग से लगने में मदद मिलेगी, सारा कुछ जल जाता है इसमें, क्योंकि सारे लकड़ी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर बड़ी लकड़ियाँ भी, जैसे ये इनको हम साइड से ऐसे लगा लेते हैं, तो लकड़ी सारी यूज में आ जाती है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये सारे इसमें सगड़ी में, और जो बड़ी लकड़ी होती है वो सब चूल्हे में काम आती है खाना बनाने के लिए। तो इसको हम लोग फटाफट से इसमें लगा लेते हैं। आप रे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तो हाथ भी काम नहीं कर रहे, देखो आप रे। तो ऐसे इससे हमने इसमें सारे लगा लिए लगभग, कुछ और लगा लेता हूँ दो चार। Thank you.
स्कोप जलाते हैं, आपकी व्यवस्था करते हैं। तो ये पिंकी चला के ला गई है बकरी से, हम तो आमतौर पर बकरी बोलते हैं, वैसे हम लोग इसे पहाड़ी में स्योत भी बोलते हैं। तो ये पाइन कोन होता है, पाइन कोन मतलब चीड़ का जो सीड होता है, या चीड़ का फल कह सकते हैं। और ये बहुत जल्दी चल जाता है क्योंकि इसमें ना लीसा होता है, लीसा एकदम आग पकड़ लेता है। इसको फिलहाल इसमें लगा लेते हैं, इसके बाद इसमें हम रखेंगे गवर्नल। गवर्नल जो पीपा होता है, टिन होता है ना जो तेल का, उसको काट करके हम लोग गवर्नल बनाते हैं, और वो नीचे से हवा जाती है और ऊपर से पास करता है, बहुत जल्दी इसको सुलगा देता है। ये देखिए हमारी आग जलने लगी है, पिंकी लेके आगे गवर्नल, ये है हमारा गवर्नल। देखिए इसको हम रखेंगे इस पर और एकदम इसको ही सुलगा देता है, बढ़िया से रखना नीचे गिर ना जाए। तो अभी तो ठंडा ही है, कोई बात नहीं, इसको आराम से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर गर्म हो जाता है ना, फिर इसको एडजस्ट करना मुश्किल है। देखो नीचे से इसमें सारी हवा यहाँ से पास होके ऊपर से आती है, देखो सारा धुआं इधर से आएगा और हवा जो नीचे से आती है वो इसकी सारी धुएं को ऊपर लाती है, मतलब फ्लेम जो है ना यहाँ से फ्लेम सीधे ऊपर आती है, तो सारी लकड़ियाँ एकदम से सुलग जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका हमारे दादाजी लोगों से हमने सीखा जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जो बुबू थे वो एक गवर्नल का यूज़ किया करते थे, और सगड़ में कितनी भी लकड़ी हो, कच्ची हो, कैसी भी हो, वो एकदम से सुलग जाती है। अभी आप देखना, देखते देखते ये सुलग जाएगी, ये देखिए। तो ये देखिए देखते ही देखते आग सुलग चुकी है, और थोड़ी ही देर में ये सारा इसको कोयला बना देगा। तो ये पावर होती है गवर्नल की यहाँ पे, गवर्नल इसको पता नहीं क्यों बोलते हैं, हमारे दादाजी बोला करते थे तब, नहीं से हमने सीखा है गवर्नल, गवर्नल बोलते हैं तो। लेकिन ये बहुत अच्छा टेक्निक है देसी जुगाड़ है आग को इस तरह से सुलगाने का, ये देखिए। मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ मुक्तेश्वर का, अभी करंट टेम्परेचर देखिए -3 चल रहा है, और इसके बाद रात का मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, रात में और ड्रॉप हो जाएगा। ये देख सकते हैं रात में -3 से लेकर के -5 तक दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, एक्सट्रीम कोल्ड। मतलब आप देख सकते हैं आग कितनी सुलग चुकी है, तो ये गवर्नल का कमाल है, पूरा इसने सुलगा दिया इसको, और ये कुछ ही मिनटों में सारा जो लकड़ी है ना उसको कोयले बना देगा। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और देसी जुगाड़ है यहाँ पर आग को सुलगाने का, हमारे दादाजी से हमने सीखा था। ये गवर्नल, पता नहीं गवर्नल क्यों बोलते थे, लेकिन जो भी था इसका यूज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा देसी जुगाड़ है आग सुलगाने का। पहाड़ों में आमतौर पर ऐसी ही आग जलाई जाती है, और यही सहारा होता है विंटर में, क्योंकि विंटर में लाइट तो रहती नहीं है, लाइट चली जाती तो हीटर वीटर ये सब हमें तो उसकी आदत भी नहीं होती, इसलिए हम लोग इन्हीं को यूज़ करते हैं। और नेचुरल आग होती है, अपना बाहर बैठ करके, छत के नीचे बैठ करके आग सेकते रहो, बहुत सुंदर रहता है और बहुत अच्छी तपिश इसे मिलती है। तो अभी विंटर का समय तो स्टार्ट हो चुका है, झाड़ों का एकदम पीक पे आप कह सकते हैं सर्दी, क्योंकि आज जो टेम्परेचर है -3 -4 तक पहुंच चुका है टेम्परेचर, और ये और ड्रॉप होता जाएगा। और आज आपने देखा पानी किस तरह से जम गया है, पूरे हमारे जो पाइप लाइन है सारी फ्रीज हो गई है, जिसमें चलता हुआ पानी होता है वो तो चलती है, मतलब उसमें पानी जम नहीं पाता है, पाले का असर नहीं होता, लेकिन जो लाइन जिसमें अगर पानी रुका हुआ है तो वो लाइन पूरी फ्रीज हो जाती है, फिर उसको चालू कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पाइप प्लास्टिक के पाइप रहते हैं और उसके अंदर अगर पानी जम गया, और धूप तो आती नहीं ऐसे में, बहुत कम धूप रहती है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे तो पेड़ों के नीचे है ना, वहाँ पे बहुत कम धूप रहती है, तो उस एरिया में पानी उसका पाले का पिघलना बहुत मुश्किल रहता है, तो वो बहुत रिस्की काम होता है, और ऐसे में फिर पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन पूरी ही ब्लॉक हो जाती है, तो फिर अरेंजमेंट दूसरे तरीके से करना पड़ता है हम लोगों को। और साथ ही साथ जो पाला होता है ना, ये बहुत भारी नुकसान करता है सारी फसलों के लिए, क्योंकि ये जला देता है पाला, जो मतलब एक तो होता है गर्मी से जलना, एक होता है ठंडक से जलना है, और जो ठंडक से जलती है ना चीज़ें पूरा झुलसा देता है, तो ऐसे में सारे फूल जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग पॉट्स हमारे यहाँ पे आंगन में लगे, वो भी सारे बेकार हो जाते हैं, तो इसको हम लोग अंदर रख देते हैं।
और साथ ही साथ में जो फसलें लगी जैसे मटर लग चुकी है तो उसके छोटे छोटे पौधे उगने स्टार्ट हो गए, तो उसको भारी नुकसान होता है इस पाले से। तो ये जो है तब तक, अब तो ये 2-3 महीने जो कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर ऐसे 2-4 दिन में और कुछ बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तो पाला भी उसी हिसाब से एक्स्ट्रा, मतलब पाला भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से मौसम आजकल रहता है। हालांकि ठंडा बहुत हो गया क्योंकि पानी पूरा फ्रीज हो रहा है, आपने देखा होगा, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं ऐसे विंटर में। बट हम लोगों को क्या ना पहाड़ों में आदत होती है सर्वाइव करने की, तो सर्वाइव कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।